प्रॉब्लम एग्जिस्ट, अगर हम उसको डिनाई कर देंगे और ये कहें कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आंखें बंद कर लें, दैट्स नॉट मूविंग एनी वे क्लोजर टू द सॉल्यूशन। और जिस तरह आपने कहा कि मॉनिटरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग में पहले तो हमारी जो EBD है उसने कहा कि हम आई डोंट थिंक दे हैव इनफ मॉनिटर्स देयर इन द फर्स्ट प्लेस। कुछ बताएंगे लाहौर में कितने मॉनिटर्स हैं? आई बिलीव वेरी फ्यू। आई थिंक खुर्रम वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, तो उनको मैं कहता हूँ एलैबोरेट कर दीजिएगा। उसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्राइवेट लगे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट लोगों ने मॉनिटर्स लगाए हुए हैं, उनको दे हैव सेड के वी डोंट बिलीव कि उनकी तरफ से जो AQI इंडेक्स है हम उसको नहीं मानते। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डिनायल के अंदर से निकलेंगे नहीं एंड यू डोंट रियली, उन्होंने अपना AQI का स्टैंडर्ड बना लिया क्योंकि हम इस एग्जिस्टिंग फार्मूला को मानते ही नहीं है, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। आप एयर क्वालिटी के, मुझे याद है मैं जब टोक्यो में था तो मेरे कॉलीग्स जो थे वो अक्सर सुबह मास्क पहन के आते थे और मैं कहता था यार तुम लोग क्यों मास्क पहन के आते हो? कहते हैं तुम्हें पता नहीं है टोक्यो की एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है। मैं कहता था यार ये तो मैं नीला आसमान देख रहा हूँ, तो ये लाहौर और इस्लामाबाद की हवा से तो बहुत बेहतर है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे मैंने अराउंड 50-60 पीपल स्टार्ट वेयरिंग मास्क। हमारे यहाँ 150 के करीब AQI होता है, हम कहते हैं यार मे बी दैट्स अ गुड डे। बारिश के बाद 60-70 होता है, हम कहते हैं यार आज तो बाहर वॉक के लिए जाना चाहिए। ऐसे ही तो हमारे वो जो WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो हमारे एयर क्वालिटी है, इट इज वे अबव द लिमिट एंड वी डोंट रियलाइज कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना बड़ा हैजर्ड है। हमने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है इस चीज को। आई थिंक आई बिलीव आमना मे बी यू बी इन अ बेटर पोजीशन टू शायद टेल अस कि हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है विच वी डोंट रियलाइज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी, बताइए कुछ आप भी इस पे। आई जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम उस वक्त तक स्पेकुलेशन करते रहेंगे, उस वक्त तक हमारी जो अजम्पशंस हैं वो वैलिडेट नहीं होंगी जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम मेजर क्या करें और कितना बेहतर तरीके से करें। सो लेट मी गिव यू सम नंबर्स ऑन दैट। इस वक्त लाहौर की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है पिछले 5-6 साल से, उसके बाद भी आज की डेट में जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि जो स्टेट या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड AQMS जिसे आप कहते हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स, उनकी कुल तादाद 6 है लाहौर में। जी, प्रॉबेबली इवन पंजाब में 6 मॉनिटर है। पंजाब, लेट मी गिव यू सम मोर नंबर्स ऑन दैट। उनमें से एक मोबाइल यूनिट है और दे हैव 5 स्टेशनरी यूनिट्स इन लाहौर। इसके अलावा एक चीज, ये कितना कॉस्ट कितना करता है एक यूनिट? जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सेंटर्स का या इन यूनिट्स का होना काफ़ी नहीं है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये मेजर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ये अर्ज़ की थी कि क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कोई 6-7 हैं जिनको मेजर करना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू पेंट अ करेक्ट पिक्चर। मोस्ट ऑफ दीज सेंटर्स, मोस्ट ऑफ दीज सेंसर्स आर नॉट मेजरिंग ऑल ऑफ देम। दे आर प्राइमरली मेजरिंग PM बिकॉज दिस इज द पॉपुलर वन, पीपल आर यूज टू इट नाउ, सो दे मेजर PM 2.5 एंड दे गिव अ नंबर। हार्डली एनी ऑफ देम इज मेजरिंग सल्फर और नाइट्रोजन बिकॉज उसका जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसमें आपको केमिकल रिएक्शन चाहिए होते हैं एंड सो ऑन। वो थोड़ी साइंटिफिक डिटेल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन गो देयर। कमिंग टू वट यू सेट, एक बेसिक सेंसर यूनिट जो है वो $4,000 to $5,000 कॉस्ट करता है और ये वो क्वालिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सिर्फ इंडिकेटिव सेंसर के तौर पे कंसिडर होती है, रेफरेंस सेंसर के तौर पे कंसिडर नहीं होती इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अब आपको सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे एक असेसमेंट देने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया लाहौर कोई 200 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा है लंदन से इन टर्म्स ऑफ द कवर्ड एरिया, इन टर्म्स ऑफ द सिटी बाउंड्रीज। लंदन राइट नाउ हैज़ अराउंड 324 सेंसिंग नोड्स टू मेजर द एनवायरनमेंट और लाहौर रिक्वायर्स एटलीस्ट 400 to 450 सच बेसिक लो क्वालिटी इंडिकेटिव मेजरमेंट यूनिट्स। और आप इस वक्त टोटल 6 गवर्नमेंट के और उसके अलावा जैसे अहमद ने रेफर किया था, देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ हु, बिकॉज हम थोड़ा रिसर्च करते हैं इन चीज़ों पर, तो हम अपने सेंसर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं बिफोर द गवर्नमेंट स्टॉप्ड अस डूइंग। सो लम्स हैज़ डन इट, पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ डन इट, ITU इज़ डूइंग इट, WWF हैज़ वन सेंसर। सो ये सब मिला कर भी इस वक्त लाहौर में जो टोटल नंबर ऑफ सेंसर कम अज़ कम यहाँ आने से पहले जो मैंने देखा वो 20 है। आई सी।
तो ये है सूरत हाल हमारी मेजरमेंट की। जी जी। और जस्ट बिफोर सम यू मूव ऑन, देखिए ये एक रियलिटी है, जैसे राफी ने रेफर किया कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमसे तो यू नो नेशनल लेवल पर लोन मैनेज नहीं हो रहा, तो ये तो इट डजंट कम इनटू कंसीडरेशन, सो वी नीड टू गो फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। देर आर अल्टरनेट्स टू दिस ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट अवेलेबल, जिसमें रिमोट सेंसिंग है, अहमद वर्क्स ऑन दैट, वी वर्क ऑन दिस, सो हम सैटेलाइट बेस्ड डाटा को यूज़ कर सकते हैं। वी नीड सम बेसिक मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसमें थोड़ी सी साइंटिफिक एफर्ट जरूर है, बट वी कैन कट द कॉस्ट। एक्चुअली देर आर सॉल्यूशंस। मैं दोनों